आज हम लोग रीजनिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि रीजनिंग क्या होती है और वो कितने टाइप्स की होती है और उसके क्या क्या नेचर होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे हम देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या दिया है कि रीजनिंग स्टेप बाय थिंकिंग विद ए पर्पज और गोल इन माइंड। तो हम क्या करते हैं, कोई भी किसी भी गोल को पर्पज को अचीव करने के लिए जो भी हम करते हैं स्टेप बाय जो भी थिंकिंग करते हैं, या किसी भी इक्वेशन को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी कुछ भी क्वेश्चन का जाए किसी भी चीज़ का आंसर ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप जो भी थिंकिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, रीजनिंग। मतलब कोई भी सॉल्यूशन निकालना है किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी क्वेश्चन को आंसर का सॉल्व करना है या क्वेश्चन को सॉल्व करना है उस कंडीशन हम जो भी स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं कि द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग ऑफ जनरेटिंग कंक्लूजन फ्रॉम एविडेंस। मतलब किसी भी कंडीशन में क्या है, किसी ना किसी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए उस क्या एक विद एविडेंस के साथ क्या करना, उसको क्रिएटिंग करना और जनरेटिंग करना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या ना कुछ थिंक करना या कुछ नया जनरेट करना कि विद एविडेंस के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एक लॉजिकल थिंकिंग करना, जैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं इजिली सॉल्व कर सकते हैं या किसी भी मैथमेटिक्स के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसे हम क्या करते हैं लॉजिकली हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रीजनिंग। तो ये डेफिनेशन था। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचर ऑफ रीजनिंग, कि रीजनिंग के क्या क्या नेचर होते हैं या किस तरह की उसकी प्रकृति, हम कैसे यहाँ से हम आइडेंटिफाई करवाएंगे, हाँ यहाँ पर रीजनिंग के बारे में डिस्कशन या रीजनिंग के बारे में बातें हो रही। तो देखते हैं, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। तो ये क्या होती है, ये एक रीजनिंग क्या होती है, फॉर्म होता है किसका, लॉजिकल थिंकिंग का फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट मतलब कहीं ना कहीं इसमें जो भी रीजनिंग में कहा कहीं ना कहीं एक लॉजिकल कहीं ना कहीं किसी से कनेक्ट कर या कोई ना कोई लॉजिक के बेस पर हम क्या करते हैं किसी भी कंडीशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट मैंने इसमें इट इज़ करेक्टराइज बाई रिज्ड कंट्रोल दैट कीप्स इन दी क्लोज कंटेक्ट विद रियलिटी। तो मतलब सिंपल सा ये है कि इसमें क्या होगा कि हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व है जो भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं रियलिटी से क्या होगा कनेक्ट करके हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या होगा जो भी रियलिटी से कनेक्ट होगा जब भी हम उसको सॉल्व करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं रियलिटी से कनेक्ट करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब ऐसे कि आपको कोई भी इमेजिनेशन किया बट वो कहीं ना कहीं आपने क्या किया उसको क्या किया रियलिटी से कनेक्ट किया, उस कंडीशन में हमने उसे सॉल्व किया, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं रीजनिंग। मतलब किसी ना किसी कंडीशन या किसी सिचुएशन को रियलिटी से कनेक्ट करके उसको सॉल्व करना वो क्या होता है रीजनिंग की शो करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड दी अचीवमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक गोल। तो ये क्या करता है एवरी टाइम या ऑलवेज क्या करता है एक डायरेक्शन दे रहा है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो रीजनिंग क्या करती है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, या रीजनिंग की हेल्प से हम किसी भी इक्वेशन को या किसी भी गोल को ईजिली क्या कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग डज नॉट अकर अनलेस ए क्वेश्चन हैज अराइज होर विच देयर इज नॉट रेडी आंसर। तो मतलब कहीं ना कहीं किसी भी क्वेश्चन का हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं उस समय रीजनिंग का यूज़ करते हैं। जैसे एक सिंपल सी एक एग्जांपल बोलते हैं 2 + 2 = 4 होता है, तो हम इजीली इसमें कोई भी रीजनिंग का यूज़ नहीं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप का इक्वेशन आ जाए कि कहीं ना कहीं उसे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या कहीं ना कहीं एक गैप दिया जैसे 2 + 4 = 6, तो कहीं ना कहीं इसमें कितना गैप दिया है 2 का, तो उस तरह बेस में नेक्स्ट क्या होगा 8 होगा, तो उस तरह से हम क्या कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे उस कंडीशन में क्या बोलते हैं हम रीजनिंग बोलते हैं, मतलब उसमें जब यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं रीजनिंग। तो ये थे इसके क्या कुछ नेचर्स थे कि एक लॉजिकल होता है, नेक्स्ट क्या होता है कि ये क्या होता है कहीं ना कहीं रियलिटी से कनेक्ट करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट में क्या होता है कि जब हम किसी भी इक्वेशन या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते उस कंडीशन में हम क्या करते हैं रीजनिंग का यूज़ करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं क्या नेचर ऑफ रीजनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप। तो रीजनिंग के मेरे लिए कितने होते हैं 2 टाइप्स में क्या किया है डिवाइड किया है। तो फर्स्ट क्या होता है इसका इंडक्टिव रीजनिंग, सेकंड होता है इसका डिडक्टिव रीजनिंग। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। इंडक्टिव में लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर टू जनरल, तो हम किसी ना किसी पर्टिकुलर के बेस पर हम क्या कर सकते हैं जनरलाइज करते हैं कि कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी कंडीशन से कनेक्ट करके क्या करते हैं हम पर्टिकुलर टू जनरल के बारे में बताते हैं। जैसे कि सिंपल सा हमने देखा कि अगर कोई भी स्मोकिंग करता है, अगर स्मोकिंग करते टाइम अगर उसको क्या करते करते उसको अगर कैंसर हो जाता है तो हमारे माइंड में एक सेट हो जाता है कि अगर कोई भी स्मोकिंग करता है तो क्या होगा कैंसर होने के चांस होते हैं। तो वो क्या होता है कहीं ना कहीं एक जनरल क्या हमने क्या किया कि पर्टिकुलर को हमने किसी एक पर्टिकुलर इंसान को देखा कि वो क्या कर रहा है स्मोकिंग कर रहा है, देन स्मोकिंग करने के बाद वो क्या हो गया उसको कैंसर हो गया, तो एक माइंड में हमारे सेट हो जाएगा कि जो स्मोकिंग करने से क्या हो जाता है
कैंसर हो जाता है। ये क्या होता है आपका इंडक्टिव रीजनिंग। सेकंड आपका है क्या डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है जनरल टू पार्टिकुलर के जनरल टू पर मतलब किसी भी जनरल कंडीशन बेस या जनरल फैक्ट के बेस पर हम क्या कर सकते हैं उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। जैसे सिंपल सा हमने सुना है कि क्या होता है स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, स्मोकिंग करने से क्या होता है कैंसर होता है। उस कंडीशन में अगर कोई हमारे पास या हमारे सामने या कहीं भी कोई भी स्मोकिंग करता है तो हमें क्या ये हो सकता है क्या हमारे माइंड में क्या आएगा कि कहीं ना कहीं ये अगर स्मोकिंग करा तो इसको भी कैंसर हो सकता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमने जनरल फैक्ट के बेस पर हमने क्या किया डिसाइड कर लिया कि जो भी हमारे सामने फ्रंट में जो बैठा है जो स्मोकिंग करा उसको भी कैंसर हो सकता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं क्या होता है इन दोनों कंडीशनों के बेस पर इजीली क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप की कंडीशन है या किस टाइप की रीजनिंग है इंडक्टिव है या डिडक्टिव रीजनिंग है। तो आज हम लोगों ने रीजनिंग के बारे में डिस्कशन किया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।